नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। प्रतिभाओं को अगर तराशा जाए तो छोटी जगह से भी तमाम प्रतिभाएं निकलती हैं, जिसका उदाहरण छतरपुर है, जहां से कई सारे ऐसे टैलेंट निकलकर राष्ट्रीय पटल पर सुशोभित हो रहे हैं। इसी तारतम्य में छतरपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा क्रांति गौड़ नाम की एक प्लेयर को अंडर 19 में जगह मिली है। उसने अंडर 16 में भी बेहतर प्रदर्शन किया और उसके बाद अंडर 19 में उसने बॉम्बे, बड़ौदा जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ बेहतर रन बनाए। इसके पूर्व छतरपुर की टीम संभाग लेवल पर अंडर 16 और अंडर 19 में भी विजेता बनी है। हमको, मैं छतरपुर से साइंस स्पोर्ट अकेडमी से खेलती हूँ और वो हमारे कोच है राजीव बेलथरे, उन्होंने सहयोग किया हमारा इस, जब मैं अंडर 16 में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम में कैंप में सिलेक्ट हुई और अच्छा प्रदर्शन हुआ। हाँ, टीम मेरी अच्छी है, अच्छा प्रदर्शन करती है और काफ़ी, मतलब कि छतरपुर जो लड़कियां हैं तो वो काफ़ी निकलेंगी छतरपुर से, मध्य प्रदेश टीम के लिए सिलेक्ट भी होंगी। हम बहुत सी जगह पे खेल के भी आए हैं और अच्छे प्रदर्शन भी किया है और हम अभी लास्ट टूर्नामेंट खेल के आए थे MPCA का और वहाँ पे मैच, मतलब काफ़ी टीमों के द्वारा खेला था हम लोगों ने, जैसे कि मुंबई, छत्तीसगढ़, हैदराबाद और मुंबई, बहुत सी टीमों के साथ खेला था। कौन सी टीम में सिलेक्शन हुआ? अंडर 16। क्रांति गौड़ के कोच राजीव बेलथरे ने बताया कि क्रांति गौड़ में काफ़ी संभावनाएं हैं और लोगों द्वारा जताया जा रहा है कि वो इंडिया टीम के लिए भविष्य में खेलेगी और एक बेहतर प्लेयर बनेगी। सबसे पहले छतरपुर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन से क्रांति गौड़ का चयन हुआ था, जो अंडर 16 मध्य प्रदेश टीम के लिए उसका हुआ था। उसके बाद अंडर 16 में जब इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो एसोसिएशन ने इसको डायरेक्ट जंप करके 19 टीम में चयन किया इसका, और वहाँ ये बॉम्बे, बड़ौदा और इन टीमों के खिलाफ, बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ अच्छे इसने रन बनाए हैं, अच्छे विकेट लिए हैं। तो इसकी जो मध्य प्रदेश टीम की कोच है मैडम रेखा पुनेकर, वो भी इसकी बहुत तारीफ़ की है और उन्होंने कहा है इसका भविष्य बहुत उज्ज्वल है और ये लड़की एक दिन आगे चल के इंडिया खेलेगी। और हम लोग भी यही प्रयास कर रहे हैं कि ये मेहनत करे, प्रैक्टिस करे और इंडिया टीम में खेले, यही हम लोगों का उद्देश्य है। डिवीज़न में इस साल हम लोगों ने अंडर 16-19 और सीनियर तीनों में हम लोग विजेता हैं। सागर डिवीज़न में चैंपियनशिप हम लोगों की है और सारी लड़कियां बहुत अच्छा खेली हैं। सुषमा विश्वकर्मा भी बिल्कुल इस कगार पे है कि वो किसी भी दिन में मध्य प्रदेश टीम में उसका चयन हो सकता है, बहुत अच्छी खिलाड़ी है। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।